वेल सर, पांव छू के ले रहा हूँ आपका आशीर्वाद इसका। आप कमिश्नर हैं, यानी कानून के दम आद इसका। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? 200 रुपए हुए साहब। ये शटदा आप इसका, वरना दूंगा धपा धप इसका। ये कमिश्नर साहब, इनसे पैसे मांग रहे हो? गलती हुई साहब। देखा सर, मैंने आपके पैसे बचा दिए। ये लो पकड़ो अपने पैसे। और सुनो, कोई भी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम आदमी, किसी को फ्री सब्जी देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? लाइए सर, मैं पकड़ लेता हूँ आपका थैला इसका। हसीना मुझे कहती है गली का छैला इसका। लाइए सर, आपको मैं जूस पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा जूस पीने का मन नहीं है। नहीं, जूस नहीं पीऊंगा मैं। सर, एक गृह हवलदार अपने साहब को जूस नहीं पिला सकता सर। सर, आपने ना आज मुझे मेरी औकात दिखा दिया सर। मैं कितना छोटा आदमी हूँ। अरे गोपी, रोना नहीं, रोना नहीं यार। चल, अच्छा पिला 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 पिला, चल चल। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। हाँ भी काके। हाँ सर, बोलिए। दो गिलास जूस मौसमी, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसमी का जूस दो दो गिलास। अभी दिया सर। हाँ रोज पीना चाहिए सर जूस। हाँ हाँ भाई, कितने पैसे हुए? आपका 20 रुपया हो गया सर। 20 रुपए हुए? ओह माय गॉड सर, मैं अपना बटुआ घर भूल आया हूँ। प्लीज आप जरा पैसे दे दो। सौ रुपए। बटुए में बहुत माल है, शाम से सन्नाटा है, क्यों कन्हैया? हाँ किशन, खंडहर सुनसान। यो जो नाटक है ना थारे भूलने का, ये जो नाटक करा भी अभी तेने, यो मत समझियो कि मन ने पता ना लगा। मारे गुस्से से बचने के लिए कराना तेने अभी अभी ये नाटक। बेटा बहुत काइया चीजों में, बहुत काइया। सॉरी मैडम। ओह माय गॉड्स, पता नहीं चला आपका भाई। मन्ने बुलवा लिया होता आपने? नहीं मिस चौटाला, आज मैं यहाँ पे एक FIR लिखवाने आया। हा? बहुत गलत बात है जीजू। दीदी ने आपसे 2-4 दिन घर का काम क्या करवा लिया, बर्तन धुलवा लिया, कपड़े धुला दिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके खिलाफ यहाँ के FIR लिखवाएंगे। बीवी है वो आपकी। बकवास बंद कर। मिस चौटाला सर, आज सुबह जब मैं सब्जी ले रहा था तो वहाँ मुझे मिस्टर गोपी मिल गए और मुझसे कहने लगे, सर आज मैं आपको जूस पिलाऊंगा। मैंने कहा ओके, और मैंने जूस पिया। जब पैसे देने का वक्त आया तो कहने लगा, सर मैं अपना बटुआ तो घर ही भूल आया इस दा। आई एम शेम हिम सर, आप इतनी सी बात के लिए यहां मेरे खिलाफ FIR लिखवाने आ गए जी। कोई बात नहीं जी, बताइए कितने पैसे हुए थे? 20 रुपए है ना? जी हाँ। कोई बात नहीं सर, मैं पैसे दे देता हूँ। मुझे मालूम आप पैसे नहीं लेंगे सर।
बात पैसों की नहीं है मिस्टर गोपी, हुआ ये कि मैंने अपना बटुआ निकाला और जूस वाले को पैसे दिए और अपना पर्स जेब में रख के जब मैं घर के लिए निकला तो रास्ते में किसी पॉकेट मार ने मेरा यानी के कमिश्नर की जेब काट ली। तो जीजू जब आपको हजार बार बोला है कि आप सब्जी लेने के लिए भी पुलिस की वर्दी पहन के जाया करो तो क्यों आप फिर? अबे तू चुप रहना यार, एक मिनट चुप रहना यार। हाँ जी सर, सर आप बताइए आपको किसी पे शक है, मतलब आपने किसी को देखा, कोई आपसे टकराया हो, लेडीज हो जेंट्स हो, कुछ हुलिया वगैरह? नहीं ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे कि उस पर्स में एक पेन ड्राइव थी जिसमें एक आदमी के खिलाफ बहुत से सबूत थे जो पुलिस के बहुत काम की है। मुझे लगता है कि कहीं वो किसी गलत आदमी के हाथ ना लग जाए। बस ठीक है सर, सर उसको हम पकड़ लेंगे। सर मैं एक ऐसे मुखबिर ने जाने हूँ जो कटी हुई जेब देख के पहचान जावे कि वो काम किसका हो सकता है, मतलब एरिया में कौन सा ऐसा पॉकेट मार है जो। तो आप एक काम करिए सर, अपना जो भी आपने पैंट पहनी थी जो जेब कटी होगी वो पैंट आप भिजवाइए, बिल्लू ले आएगा। याद से ले आना। तो फिर आप कल क्या पहनोगे? काफी बड़ी पैंट है, किसी हाथी ने पहनी थी क्या? दूरबीन हटा लो। हो सॉरी, इससे नहीं होगा। अबे देखो ना यार तुम। हाँ अरे सर समझ में नहीं आ रहा चीरा कहां से लगाया, बड़ी सफाई से काटी है। अरे कब से तो देख रहे हो यार, यार मैन तो मैन जेंटलमैन तक के सब्र का बांध टूट चुका है, इंतजार की नहर बह चुकी है, बेकरारी का तालाब भर चुका है। सर समझ रहा हूँ आपकी बात, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, समझने तो दीजिए, किसी नतीजे पे पहुंचने तो दीजिए। अभी बाकी मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है। और तुम कौन हो? टार्जन? नहीं नहीं महाजन, मैं हूँ मुंह फाड़ महाजन, मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है। वाला महाजन, तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा गैंग हो सकता है जिसने कमिश्नर साहब की पॉकेट मारी? इसदा मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इसदा। एक मिनट दादाजी, बस बस पता चल गया, मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है। ये पता चला है तुम्हें कि मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है? नहीं नहीं, अरे ये सर, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये पता चल गया कि ये जो जेब कटी है वो किस गैंग ने काटी है, किस गैंग ने, और जिस गैंग ने सर काटी उस गैंग का नाम है भैया भैया दीदी दीदी, और ये जो स्टाइल है ना सर काटने की जेब, ये उसी गैंग का काम है। बाकी मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है। करेक्ट सर। वाला तुम कैसे कह सकते हो ये काम उनका है? दादाजी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उस गैंग ने मेरी 64 बार खुद जेब काटी, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ उसका। मैं पक्का कह रहा हूँ ये उसी गैंग का काम है। बाकी आपको मेरा सलाम है, मम्मी मंगली है, डैडी जंगली है, मैं चलता हूँ। वाला भैया भैया दीदी दीदी गैंग इज द कर्मा में था डॉक्टर डैंग इज द। भैया कह के मुझे इमोशनल कर देता है यार तू, जान काट लेना मेरी। हाँ बोल क्या बात है? भैया आज ना मैं आपकी सूफी स्टाइल में चंपी करूंगा। सूफी? Well, what is this is the हसीना को देता हूँ मैं फ्लाइंग किसेस द। मैं करके बताता हूँ ना अभी। प्लीज शो ऑफ। पधा सारे गरे रे सा, पधा सारे गरे रे सा, मा गरे पधा सारे गरे रे सा, सारे गा मा मदा दा पा सानी दा नी दा पधा पा मा पा मा गा गा मा गरे गा पा। मैडम मैं तो चंपी कर रहा था ना। तो चौकी के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे डाल ले अपनी एक कुर्सी और एक आईना लेके बैठ जा, खूब कर चंपी, पैसे भी कमा ले। एक बला देके गया है थारा वो कमिश्नर जीजा।
वैसे ही कम पड़ रहे थे ये, और वो कहाँ है खाओगी अपना गुलगुले? आ गया मैडम, आ गया मैडम, छा गया मैडम, क्रैप्टा खा गया मैडम। क्या हुआ भैया? भैया दीदी दीदी केस की फाइल कहाँ है? मैडम वो जो गैंग है ना, भैया भैया दीदी दीदी गैंग, वो मैडम जोड़ी में ऑपरेट करती है, यानी कि या तो वो भैया भैया होंगे दो, या फिर बहन बहन होंगी दो। तो इसमें इतना सीक्रेटिव में बताने की क्या जरूरत है? वहां से यहाँ लेके आया तू? ऐसी बातें बताने का एक माहौल होता है मैडम, एक तरीका होता है, ऐसे थोड़ी कहीं भी। तू क्रिएटिव आदमी है। अच्छा। अबे यार इस गैंग के सरगना तक पहुंचना है मन्ने, बहुत जो है शहर में आतंक मचा रखा है इन्होंने जेब काट काट के। और फिर कमिश्नर साहब की पेन ड्राइव भी तो हासिल करनी है यार, क्या करें कैसे होगा? ए, ए, एक मिनट मैडम, एक मिनट, आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चालू मिक्चर डर्टी पिक्चर आइडिया आ रहा है। तो तेने विद्या बालन बना के जो है साड़ी पहना के लाल वाली बारिश में भिगा के उलाला कराऊं फिर देगा आइडिया? हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम में से कोई दो लोग जेब कतरे बन के सड़कों पर निकल जाएं, फिर मैडम उनकी गैंग सामने से हमें ढूंढेगी मैडम, सामने से। बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। नहीं सर, आइडिया तो बढ़िया है, पर जाएगा कौन अपना भैया भैया बन के? ये अपना गोपी बिल्लू तुम दोनों जाओ, वैसे भी खूब भाईचारा मचा रखा है ना तुमने यहाँ चंपियां और भैया भैया। सॉरी, ये वहां जाएगा भूलिसदा, हम भाई नहीं है, करना पड़ेगा कबूलिसदा। हाँ यो बात भी है। तो हाँ ये अपना गुलगुले और सर जाएंगे फिर। एक्सक्यूज मी चौटाला, क्या हम आपको शक्ल से जेब कतरे लगते हैं? यो बात भी सही है। तो क्या मैं लगता हूँ? हाँ? यो बात भी सही है। अरे तो फिर कौन जाएगा अपना? ये जाओ गोपी और गुलगुले। नहीं 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 नहीं, मिस चौटाला आपको मालूम है कि 2 साल पहले ये एक ऑपरेशन पे गए थे? अरे मेरी नौकरी जाते जाते बची थी, इन जैसे निकम्मे आदमी मैंने आज तक नहीं देखे। अरे तो सर फिर कौन जाएगा? मतलब मारी अगर कोई बहन होती या पुलिस डिपार्टमेंट में या इस चौकी में कोई और लेडीज होती तो उसके संग मैं चली आती, पर अब है नहीं कोई। चलिए कोई नहीं, सोचना पड़ेगा सर, सोचते हैं जरा। मिस चौटाला जो भी सोचना है जल्दी सोचिए, कहीं वो पेन ड्राइव उन गलत लोगों के हाथ ना लग जाए बस। भैया भैया ये देखिए, हम सबने मिलके पूरे शहर के कितने सारे लोगों की जेब काटी है, शाम से सन्नाटा है। और नहीं तो क्या, भैया भैया दीदी दीदी गैंग का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। खंडहर सुनसान है। सुना छोटे, डैडी का सपना बरसों बाद पूरा होने जा रहा है। शहर के हर चप्पे चप्पे पर, गली गली कोने खोचे पर, भैया भैया दीदी दीदी गैंग का आतंक हड़कंप मचा हुआ है। पीछे होके बैठो। हाँ भैया, आगे होके लेटो। सीता गीता और कर्ण अर्जुन राम श्याम किशन कन्हैया, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पीछे होके बैठो। ये क्या है, क्या चीज है ये? है?
अरे यार बिल्कुल समझ ना आ रहा है कि यो भैया भैया दीदी दीदी वाले केस में किसे भेजा जाए। हेलो, मैं हूँ कमसिन। कर दूंगी सबको स्वाहा। बताए आईने, क्या इस जहान में मुझसे भी खूबसूरत कोई है? नहीं, तुम ही हो। करेक्ट, थैंक यू सो मच। अब अचानक से कैसे आ गई? ए चुप कर, गरीबों की ऐश्वर्या राय। कानपुर जाने के बाद जितने भी केस आए हैं उन सब की फाइल फटाफट मेरे पास लेकर आओ। मैडम कमसिन आहा, आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं इस चौकी में इंस्पेक्टर हूँ, ना कोई हवलदार। तो यो काम आप किसी हवलदार से गए फाइल वगैरह लाने का? अब तुम सिखाओगी कमसिन आहा को कि क्या करना है कि क्या नहीं करना। मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकती हूँ, समझी तुम? ठीक है, बेहतर है। मैं कमिश्नर साहब को अपना इस्तीफा पहुंचा देती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने ही फोन करके कमसिन आहा को यहाँ बुलवाया है। देखो इस वक्त आपसी झगड़े से ज्यादा जरूरी है उस पेन ड्राइव को हासिल करना, नहीं तो पूरे पुलिस फोर्स और कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। देखिए सर, लेकिन ये लेकिन कुछ नहीं। देखो अब मैंने फैसला किया है कि उस भैया भैया दीदी दीदी गैंग में दो बहनें शामिल होंगी, यानी कि दो दीदियां, और वो दो बहनें होंगी तुम दोनों। सर यू आप क्या कह रहे हैं, हम दोनों एक साथ काम करेंगे वो भी बहने बनकर? देखो ये कानून की इज्जत का सवाल है, तुमको बनना होगा वो दो जेब कतरी बहने और उस गैंग में तुम दोनों शामिल होगी, समझी? और ये मेरा ऑर्डर है। मेरा टिफिन 24 घंटे खाता ही रहता। हाँ